हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रोसीज रिएक्शंस। आज हम देखने वाले हैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी बाबर आजम की, जिनकी जो लाइफ जर्नी है 2007 से कैसे स्टार्ट हुई और 2021 तक की इसमें जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो लाइफ जर्नी है वो इस छोटी सी वीडियो के अंदर दिखाई जाएगी। जो इनका लाइफ जर्नी रही है, जो इनका क्रिकेट करियर रहा है, 2007 से एक बॉल पिकर के तौर पर ये चूज हुए थे, वहाँ पर बॉल पिकर का काम करते थे, लेकिन आज ये टेस्ट कैप्टन भी हैं एंड वहाँ के, और साथ ही साथ ICC प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे हैं इस साल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतने छोटे मुकाम से शुरुआत करने के बाद आज ही इस मुकाम पे हैं। हाँ। और एक अपनी क्रिकेट को बना करके इन्होंने इतना अच्छा रखा है कि आज पूरी दुनिया इन्हें जानती है। तो आज हम इनकी जल्दी से वीडियो देखते हैं, इनकी जर्नी जानने के लिए हमें मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जर्नी मेरी अगर मैं बात करूँ तो 2007 से स्टार्ट हुई थी। मुझे शौक था क्रिकेट का और मुझे ये भी शौक़ था कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखना है, अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना है। तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका आई थी, तो मैंने किसी को बोल के कि मुझे बॉल पिकर लगवा दें, तो उन्होंने लगवा दिया। तो उस दौरान मैं फिर रोज़ गुलबर्ग से पैदल यहाँ पे आता था स्टेडियम, और रोज़े मेरे ख्याल से रोज़े भी मेरे जहाँ तक ख्याल पड़ता है रोज़े भी चल रहे थे, रमज़ान था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो वो कभी कभार रोज़ा भी रख लेना, तो वो लंच जो मिलना वो संभाल के रख लेना, शाम में वो उसको घर जाके खाएंगे तो खा लेगा, यहाँ मैं मुझे वहाँ पे मिल ही जाता था। तो वो चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती थी। और दूसरा, क्रिकेट को एंजॉय करता था बॉल पिकर, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया कि बॉल पिकर नॉकिंग करवाते थे, मैंने प्लेयर्स को नॉकिंग करवाता था, अपने प्लेयर्स को नॉकिंग करवाना बॉल पकड़ने, तो बाउंड्री के मैच के दौरान बाउंड्री पे बॉल पकड़ने। तो उस दौरान इंजी भाई का सुनने में आ रहा था, मैचेस वो सीरीज से पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन था कि वो ये आखिरी मैच या उनका लास्ट मैच होगा। तो वो टेस्ट मैच चल रहा था, तो उनको दो रन चाहिए था जावेद भाई का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टंप हुए। तो वहाँ से वो जब मैं वो जो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, तो वो मैंने पूरा उनको देखा, और वो जो है ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने जो गुस्सा निकाला, बैट मारा, वो भी मैंने, मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने वो गुस्सा निकाला बैट पे, और अंदर जाके जो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली, तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जर्नी काफ़ी आसान नहीं थी, मुश्किल थी। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर स्टेज पर हेल्प की। देखें, उस दौरान एक ड्रीम था मेरा कि मैं यहाँ पर खेलूँ और पाकिस्तान के लिए खेलूँ, और अब अल्लाह ने पूरा किया है, और अब मैं कप्तान हूँ और उसी टीम के अगेंस्ट मैं कप्तानी करूँगा। वो टीम आई है और आज मैं उसका कप्तानी कर रहा हूँ, तो काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ, लकी फील कर रहा हूँ कि अल्लाह ने 2007 से शुरू करके 2021 में उन्होंने मुझे कहाँ पे ला के खड़ा किया। ये मेरे ख्याल से ईजी नहीं था, बड़े सेक्रीफाइसेस, बड़ी मेरे ख्याल से इसके पीछे बहुत सी मेहनत, बहुत सी परफॉर्मेंसेस, बहुत से अप एंड डाउन्स देखें ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो वो सारे आपको फिर स्टेप बाय स्टेप देखें, स्टेप बाय स्टेप जब आप आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो आपको हेल्प करता है। जब मैं बॉल पिकर था साउथ अफ्रीका सीरीज़ में 2007 में, तो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि JP डुमनी ने अब्दुल रहमान को, मुझे याद है कि एक निकल के शॉट मारी, मैं बाउंड्री पर था, तो वो मैं नीचे खड़ा हूँ, तो मैंने सिर्फ ऐसे आराम से कैच पकड़ा और मैंने ना फेंक दिया। तो वो उस दौरान मेरे ख्याल से एम्बिशन था, उसने थोड़े से वर्ड्स ये बोला था कि यार ये मुझे लगता है इसके कैच से कि ये कुछ ना कुछ बनेगा, तो वो मुझे आज तक याद है कि यार वो वर्ड्स उसने मेरे लिए बोले थे, तो उससे भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था। और उस दौरान मुझे AB डिविलियर्स बहुत पसंद था, तो उसको भी देख के मैं काफ़ी, मतलब एक होता है ना फ़ैन के तौर पर, तो वो काफ़ी मैंने उस दौरान मैंने उस कोशिश की उसके आसपास वो देखूं वो क्या कर रहा है, वो कैसे बैटिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कैसे कर रहा है, तो वो मैं उसको देखता रहता था, उसको देखता हर जगह। अगर वो वार्म अप के दौरान मैं ना वो पाकिस्तान की तरफ नहीं, मैं ना साउथ अफ्रीका की टीम के पास ही रहता था कि यार वो, हाँ वो बंदा क्या कर रहा है, तो उसको देख देख के ना काफ़ी उसको बूस्ट मिलती थी। देखें, जब आप एक ड्रीम के पीछे जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं
या आप उस चीज़ को ढान लेते हैं कि यार मैंने यहाँ पहुँचना है, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, आप छोटे गोल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना आप छोटे गोल्स को अचीव करेंगे, आप बड़े गोल्स को अचीव कर लेंगे। और आपके सामने देखें, मैं बॉल पिकर था, लेकिन मेरा एक गोल था कि यार मैंने पाकिस्तान टीम में खेलना है, और अब आपके सामने देखें मैं एज अ कप्तान बैठा हूँ। आप सबकी भी दुआएं हैं, लेकिन मेरी हार्डवर्क और मेरा एक बिलीफ था, मेरा एक यकीन था कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। जब कोई कामयाब हो जाता है ना, तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो कामयाब होने में उसको कितना मेहनत, कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। सबको लगता है कि शायद इन्होंने अचीव कर लिया, मिल गया, कितनी अच्छी लाइफ है, क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान, और कितना अच्छा नसीब है कि वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन उस नसीब के पीछे उनकी कितनी ज़्यादा मेहनत रही है, और उन्होंने कैसे कैसे, जैसे उन्होंने स्टोरी बताई अपनी कि एक बॉल पिकर के तौर पर वो वहाँ गए थे और सारी चीज़ें, फिर वो बिशप का बोलना उन्हें कि इन्होंने जो कैच पकड़ा है कि आगे जा कर के कुछ करेंगे। तो जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपको जब किसी जगह पहुंचा देता है, फिर वहां से वो रास्ता बना ही देता है। हाँ, और 2007 में इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, वो फोटो देखने में लग रहा है जैसे कितने छोटे होंगे, छोटे, और इतनी जल्दी, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको ये अचीव करने में। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा 2007 कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है एक तरीके से, इनके ही लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटे लग रहे हैं, कम से कम 8-9 साल के लग रहे हैं वो देखने में, हालांकि शायद थोड़े से बड़े हों, शायद थोड़े से बड़े हों, लेकिन देखने में उतने ही लग रहे हैं। और उस टाइम पर इन्होंने जो कैच पकड़ा, एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसमें किसी जेपी ड्यूमनी ने जब शॉट मारा तो इन्होंने उसको कैच पकड़ लिया, कर लिया उस उम्र में, लैदर बॉल को, जहां बच्चे शायद विक्की की या किसी कॉस्को बॉल को भी पकड़ने में कतराते हैं, इन्होंने उसको कैच कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है। और फिर उनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि हम किसी भी गोल को डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हम उस चीज़ को डायरेक्ट अचीव कर लेते हैं, वो जो बीच के स्टेप्स होते हैं ना, वो उन्हें छोड़ देते हैं। और उन्हीं को छोड़ने की वजह से ही वो कामयाबी जो होती है उससे दो कदम पीछे आ जाते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इनकी जो जर्नी रही है वो इतनी ज़्यादा आप लोगों को और हमें भी मोटिवेट करती है किसी भी गोल को, किसी भी मोटिव को अचीव करने के लिए। सो गाइस, ये था आज का हमारा रिएक्शन, जिस का हमें बहुत इंतज़ार था कि हम इनकी लाइफ जर्नी को देखें, और भी बहुत सारी वीडियोस हमें देखने के लिए मिलेंगी जिनमें हमें इनको देखकर मोटिवेशन भी मिले और उनकी लाइफ जर्नी भी पता चले, कुछ सीखने को मिले भी। और साथ ही अकेले नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, शोएब अख्तर की हम बायोग्राफी देख चुके हैं, लाइफ स्टोरी देख चुके हैं, शाहिद अफरीदी साहब की देख चुके हैं, इनकी देख चुके हैं, और जिनकी भी हमने देखी, हर किसी की स्टोरी अलग है, लेकिन सब इंस्पायर करते हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ सीख भी है, सीख बहुत ज़्यादा है। आने वाली जनरेशन जितनी भी हैं, वो इनसे, इनको देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाली हैं। बिल्कुल। सो आई होप आप लोगों को ये मज़ा आया हो देखकर, और कुछ नया देखने के लिए मिला हो हमारे थ्रू, और कुछ सीखने के लिए मिला हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।